लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शिव कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं अभी छपरा के दरियापुर में हूँ और आपको मेरे हाथ में आप देख रहे हैं स्कैनर है। ये डिजिटल इंडिया की बातचीत हो रही है, लेकिन डिजिटल इंडिया में कितना बड़ा क्राइम होता है, साइबर क्राइम होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और एक भाई साहब उसी साइबर क्राइम के ठगी के शिकार हो गए, मात्र 50 रुपया के लिए 15,000 रुपये खर्चा करना पड़ा और तकरीबन 15 दिन परेशान रहे। 15 दिन इस बात के लिए परेशान रहे कि उस परेशानी में हमारे सिस्टम, जो सरकार का जो सिस्टम है वो सिस्टम भी दोषी है, साइबर क्राइम भी दोषी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा इस बात को बाहवाई लूटते रहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया है, और डिजिटल इंडिया का जितना फायदा है उससे कितना बड़ा नुकसान होता है। हम मिलवाते हैं, मेरे साथ है रोशन जी हैं, और आपका क्या नाम हुआ? अनुज कुमार यादव हुआ मेरा नाम। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ साइबर क्राइम हुआ? जी जी, मेरे साथ हुआ था। आपके साथ हुआ था? चलिए, साइबर क्राइम इनके साथ हुआ था, लेकिन इनके साथ इनके मित्र हैं, परम मित्र हैं, और ये हमेशा साथ रहे। हम इनसे पहले बात करते हैं कि वाकया कैसे हुआ, शुरुआती दौर कैसे चला, उसको बताइए आप। देखिए सर, इसमें क्या हुआ ना कि मान के चलिए QR कोड लगा हुआ है दुकान पे, कस्टमर आया, सामान लिया, और सामान लेने के पश्चात वो QR कोड पे पेमेंट किया और उसके हमको 24 घंटा बाद पता चला कि अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। हमने कहा फ्रीज क्यों कर दिया गया, चलो बैंक में चलते हैं। पेमेंट कितना लिया? पेमेंट 300 रुपये लिए, और 300 में से लगभग 250 रुपये निकल गया था, 50 रुपये के चलते फ्रीज कर दिया गया था। तो हम लोग नियरेस्ट बैंक में गए, ब्रांच में जाने के बाद ब्रांच मैनेजर से बात किया, तो ब्रांच मैनेजर बोला कि देखिए ये आपके ऊपर ना क्लेम हुआ है साइबर फ्रॉड का। हमने कहा सर ये कैसे हुआ, हमको थोड़ा मेल करके बताइए। वहाँ से रिप्लाई मांगिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो हम मेल किए, तो उधर से मेल का रिप्लाई आया कि भुवनेश्वर किए उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा भुवनेश्वर से आपका ये अकाउंट को फ्रीज करने के लिए क्लेम हुआ है, ये आपको जाना होगा अपने नियरेस्ट साइबर थाना में। तो हम लोग नियरेस्ट साइबर थाना में छपरा गए, हम लोगों का छपरा पड़ता है। छपरा जाने के बाद छपरा वहाँ पे एक ऑफिसर थे, उनसे बात की, तो बात की तो बोले कि देखिए यहाँ से हम मेल करेंगे लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देता है कि आपको जहाँ से हुआ है ना भुवनेश्वर से, भुवनेश्वर आपको उड़ीसा जाना होगा। हम बोले कि सर ऐसा क्यों है, साइबर पुलिस बना हुआ है तो पब्लिक के हेल्प के लिए ना बना हुआ है, यहीं से मेरा देखिए कुछ निपटारा करिए, मेरा क्योंकि बहुत परेशान है बिजनेस मैन आदमी, अगर अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो लेनी में बहुत परेशानी हो जाती है। तो बोले कि नहीं, यहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलेगा, आपको जाना होगा भुवनेश्वर यानी उड़ीसा जाना होगा आपको। हमने बोला कि अच्छा ठीक है सर, हम जाते हैं। फिर हम लोग प्लानिंग किए और 18 तारीख को हम लोग भुवनेश्वर के लिए रवाना हुए। भुवनेश्वर गए वहाँ पे, और जो आदमी ये क्लेम किए हुए थे उनसे भी कॉन्टेक्ट करने का कोशिश किए, लेकिन वो मेरा कॉल नहीं रिसीव कर रहे थे। तो फिर हम लोग भरतपुर थाना में गए, भुवनेश्वर के भरतपुर थाना में गए। भरतपुर थाना में तो एक SI साहब थे, उनसे भेंट किए कि सर देखिए ना मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है रुको, हम ऑफिशियल नंबर से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो ऑफिशियल नंबर से वो कॉल लगा उस आदमी को, तो बोले हमसे बात नहीं कर रहा। तो बाद में बोले कि ठीक है कि अभी हम दूसरे जगह आए हुए हैं कि हम सुबह मिलते हैं तुमसे। बोले ठीक है सर, मिलिए हमसे। हम एक दिन, दो दिन, तीन दिन वेट किए, लेकिन वो पार्टी हमसे नहीं मिले। जिनका पैसा क्या हुआ? जी, जिनका पैसा कितना पैसा क्या हुआ तुमका? उनका लगभग 38 लाख रुपये समथिंग फ्रॉड हुआ है। अच्छा, 38 लाख जो समथिंग फ्रॉड जो हुआ जी, उसी से आपका रिलेवेंट कर रहा है जी। जैसे मान के चलिए सर, उसका जो पेमेंट कोई साइबर ठगी किया, लेकिन वो पता ना कहाँ से आया, मेरे तो दुकान पे कोई कस्टमर आया, मेरे अकाउंट में मेरे QR कोड पे 300 रुपये डाला, उसके कारण मेरा अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। उसके लिए हम लोग छानबीन कर रहे थे ना, और करते करते हम लोग भुवनेश्वर पहुंच गए। अच्छा जी, भुवनेश्वर पहुंचने के बाद इनसे कांटेक्ट हुआ, तो ये पार्टी हमसे नहीं मिले। तो फिर हम लोग हेडक्वार्टर में गए, भुवनेश्वर साइबर क्राइम थाना में गए। वहाँ पे जो थाना के इंचार्ज थे उनसे मिले, मिलने के बाद वो सब चीज़ बताया हमको डिटेल्स कि ऐसा ऐसा करना होगा, आपको सारा डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, आपका ये मेल कर देंगे, और उसका जो पेमेंट आपका 50 रुपये के चलते ब्लॉक किया हुआ है अकाउंट को, कि आप 50 रुपये जो कंप्लेन करता है उसके अकाउंट में आप डालिए, उसके बाद सारा प्रोसेस करके हम आपका मेल कर देंगे लोकल ब्रांच को। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान के चलिए डिजिटल इंडिया सरकार बोलती है कि डिजिटल इंडिया तो दिखावे के लिए है ना, आम पब्लिक परेशान हो रही है ना। मान के चलिए कि गलती था नहीं, बिल्कुल नहीं था। अगर जो मान के चलिए सर मेरे में गलती रहता तो हम क्यों प्रशासन पुलिस के सामने जाते, हम जवाब देते, फेस करते, ये हम क्यों करते? अगर जो हम चोरी करते तो हम लुका करके कहीं डर कर छुप जाते ना, कि हम उसके सामने जाते।
तो वहाँ गए, सब चीज हुआ, मेरा वहाँ से मेल भी किया गया बैंक को, अभी बोले कि बैंक में आप जा करके संपर्क कर लीजिएगा, आपका ये अकाउंट को खोल दिया जाएगा। सबसे गलती तो सरकार करती है, मान के चलिए कोई भी जो नियम बनाती है डिजिटल इंडिया, ये झूठ मूठ का डिजिटल इंडिया बना दिए, मान लीजिए डिजिटल इंडिया बना दिया तो पब्लिक को तो बैठे बैठे सुविधा मिलना चाहिए ना, पब्लिक को परेशानी हो रही है। अब एक सेकंड सर, मान के चलिए कि पूरे देश में साइबर थाना बना हुआ है, ठीक है, पूरे देश में साइबर थाना बना हुआ है ना, तो सबका तालमेल होना जरूरी, सब एक दूसरे का कनेक्टिविटी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मान के चलिए मोबाइल नंबर से, फोन नंबर से कनेक्टिविटी बिल्कुल होना चाहिए, होना, अगर जो वहाँ से सब लोगों का तालमेल रहता, कनेक्टिविटी रहता, तो हमको ये बिहार से चल के भुवनेश्वर नहीं जाना पड़ता, मेरा काम यहीं से छपरे से हो जाता, जो कि हमको जाके भुवनेश्वर सॉल्व करना पड़ता। 38 लाख रुपया जो गायब हुआ, तो आपने बताया कि जब ऑफलाइन हम लोग बात जी, मेरे पास पेपर भी है उसका, पेपर देता हूँ, पेपर दिखे है यहाँ पर, पेपर कहाँ निकाल, पेपर पेपर निकाल के आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये कहने का मतलब है ना कि ये जो नियम कानून ये लोग बनाते हैं ना, ये बड़े आदमियों के लिए बनाते हैं, छोटे आदमी के लिए ना, अब यही मंत्री विधायक सांसद चाहे बड़े आदमी के साथ होता है ना, तो तुरंत क्विक रिएक्शन लिया जाता और उसको 24 घंटा के अंदर सॉल्व करके उसको कम्प्लीट कर दिया जाता। चलिए देखिए, 38 लाख बताते हैं, साइबर क्राइम का एक और बताते हैं कि 38 लाख रुपया गायब हुआ है, यहाँ 50 रुपया के लिए इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया, कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा नेटवर्क है, सोचिए इस बात को, 38 लाख रुपया फ्रॉड कर दिया गया, उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी कि जितने भी 38 लाख को 250 में 300 में 1000 में डिस्ट्रीब्यूट करके सभी के अकाउंट में जो जो था स्कैनर के थ्रू उसको पैसा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और जिसके जिसके पास वो पैसा गया वहाँ से वो लोग पैसा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। मान के चलिए सर, उसका 38 लाख फ्रॉड हुआ है, तो ये तो जहाँ पे वह कंप्लेन किया हुआ है, तो ये छानबीन करना था, ये साइबर थाना का था ना, मेरे यहाँ साइबर थाना हमसे संपर्क करता कि जी आपके अकाउंट में पैसा पेमेंट किया, संपर्क करता जी, संपर्क करता, लेकिन उसको ये था पता, यानी मेरे अकाउंट को फ्रीज करने के लिए था पता, लेकिन हमसे संपर्क करने के लिए उसको पता नहीं था। आपको पॉइंटेड बात है, सही बात है, ये तो सरासर गलत है ना, ये डिजिटल इंडिया, हम सबसे ये खत्म डिजिटल इंडिया मानते हैं, इसको कुछ नहीं है डिजिटल इंडिया, दुखी है, परेशान है डिजिटल इंडिया से और साइबर क्राइम को लेकर के। हालांकि बिहार में, बिहार के साथ साथ पूरे इंडिया में साइबर क्राइम हमेशा देखने को मिलता है, आपको नालंदा जिला की बात करें, वहाँ पर आए दिन पकड़ाते रहते हैं साइबर क्राइम करने वाले, पकड़ाए जाते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि गलती करे कोई और सजा भुगते कोई और, ये ईमानदार आदमी थे, ये खुद जाकर के फेस किए, हालांकि 50 रुपये की बात नहीं है, बात यह है कि इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, जब अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है वहाँ से, ऊपर से ऑफिशियली फ्रीज किया जा सकता है, तो आप इस बात को जांच पड़ताल कीजिए ना कि ये पैसा कैसे गया, क्यों गया, और इनको इनसे कनेक्ट कॉन्टैक्ट किया जाता है, साइबर क्राइम इनसे कॉन्टैक्ट किया, भाई आपके अकाउंट में 50 रुपया गया, आपके अकाउंट को फ्रीज किया, आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, आप उसका जवाब दीजिए, उल्टा यही पुलिस से जवाब तलब कर रहे हैं और साइबर क्राइम में जा रहे हैं। बिहार से छपरा से भुवनेश्वर जाना है कोई बिजनेसमैन के लिए कितना बड़ा लॉस है, 15,000 की बात नहीं है, पर डे के हिसाब से अपना इनकम दिखाएंगे, हरासमेंट दिखाएंगे, बहुत सारा मेंटली टॉर्चर दिखाएंगे, ये सरकार पर, डिजिटल इंडिया के सरकार पर चलाने वाले पर, इस पर वो मानहानि का केस कर सकते हैं, अपने जो हरासमेंट है उस पर उसके क्लेम करके करोड़ों रुपये की उगाही कर सकते हैं। क्या दिखा रहे हैं आप? देखिए, यही मेरा डिस्ट्रीब्यूट मैंने 50 रुपये के चलते किया गया, इसका फ्रॉड इसके अकाउंट से लगभग 38,37,311 रुपये हुए। क्या बात है, देखिए ये पेपर है, आपको कैमरा में उतना दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम डाल देंगे इसको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन लेफ्ट साइड या राइट साइड में चलेगा ये पेपर। 38 लाख के आसपास फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड करके छपरा के दरियापुर से, और बैंक से भी हम मेल करवाए वहाँ भुवनेश्वर साइबर पीएस में, लेकिन उसका उधर से जवाब नहीं आया। चलिए देखिए, डिजिटल इंडिया की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर आप सुनना चाहते हैं या सुन रहे होंगे पीओ में ऑफिस, तो इस बात को अभी आप ख्याल रखिए कि आपका बैंक जो है, आपका साइबर क्राइम है और जितने भी थाने हैं साइबर के थाने, ये इस बात को नज़रअंदाज करते हैं और कस्टमर के साथ जिसके साथ ये घटना घटती है उनको, उनका सीरियस नहीं लेते उनकी बातों को, और उनको खुद दर दर भटक करके अपने न्याय के लिए भुवनेश्वर जाते हैं और तब जाकर के इनके अकाउंट ओपनिंग होता है। अगर ये नहीं जाते भुवनेश्वर और 50 रुपये फिर रिवर्स नहीं करते तो इनका शायद अकाउंट ओपनिंग भी नहीं होता और इनके ऊपर कोई बहुत सारे क्लेम लग जाते। ये तो सर मान के चलिए यहाँ छपरा साइबर क्राइम से भी तो ये लोग तालमेल कर करके और यहाँ भी हमको पेमेंट करवा सकते हैं ना, सब हो सकता है, लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं, जब वहाँ के मेल का रिप्लाई ये लोग नहीं देते हैं, कहने का मतलब खाना पूर्ति है। साइबर क्राइम का भी कि आप केस करने के, बहुत सारे लोग साइबर क्राइम में जो केस करने आते हैं ना, उनका रिजल्ट कितने दिनों के बाद पता चलता है उन्हीं को पता होगा,
ये लोग साइबर क्राइम के जितने भी इंडिया के साइबर क्राइम सबके एक दूसरे से कनेक्टिविटी होना चाहिए, सबका नंबर होना चाहिए, कॉलिंग पर बात कर सके और जो जिसके साथ घटना घटती है उसको प्लेस से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने की जरूरत नहीं पड़े, उनको किसी तरह की परेशानी की सामना नहीं करे। मैं शंभु कुमार कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ छपरा। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।